हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जॉब्स अपडेट पॉइंट। आज बात करेंगे शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी ऑफ जम्मू, यानी कि स्कॉस्ट जम्मू की। स्कॉस्ट जम्मू से जो है एफपीओ सेल से आपको एक एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगी। इस एडवर्टाइजमेंट की अगर बात की जाए तो डिफरेंट पोस्ट यहाँ पे एडवर्टाइज की गई है और सभी की सभी पोस्ट जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस रहेंगी। स्टार्टिंग में जो है एक साल का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बताया गया है और उसके बाद जो है उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। तो पूरी का पूरा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि किस तरह की पोस्ट रहेंगी, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी और क्या सैलरी रहेगी। बिकॉज पैकेज की बात की जाए तो 27,000 रुपीज के पैकेजेस जो है यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं पर मंथ में। तो पूरा का पूरा डिस्कस करते हैं इस वीडियो के साथ। तो सबसे पहले अगर पोस्ट की बात की जाए तो प्रोफेशनल कॉप हस्बेंड्री की पोस्ट यहाँ पे रहेगी। एक वैकेंसी एडवर्टाइज की गई और ग्रेजुएशन जो है यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, यानी कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए बट वो ग्रेजुएशन जो है आपकी एग्रीकल्चर में होनी चाहिए और 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस जो है होना चाहिए क्रॉप प्रोटेक्शन टेक्निक का, जिसमें कंसोलिडेटेड सैलरी बताई गई है इस पोस्ट के लिए, वो रहेगी 27,000 रुपीज। नेक्स्ट पोस्ट की अगर बात की जाए तो प्रोफेशनल एग्री मार्केटिंग वैल्यू एडिशन और प्रोसेसिंग की पोस्ट रहेगी, जिसमें एक वैकेंसी एडवर्टाइज की गई है। क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो एमबीए एग्री बिजनेस में होना जरूरी है और साथ ही में 3 इयर्स का एक्सपीरियंस जो है आपको होना जरूरी है। 27,000 रुपीज जो है यहाँ पे कंसोलिडेटेड सैलरी बताई गई है। प्रोफेशनल सोशल मोबिलाइजेशन की जो है पोस्ट रहेगी, एक वैकेंसी यहाँ पे एडवर्टाइज की गई है। क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो ग्रेजुएट जो है रूरल डेवलपमेंट में होने चाहिए या फिर सोशल वर्क में होने चाहिए, या फिर अगर सिंपल आप ग्रेजुएट हैं तो आपके पास डिप्लोमा जो है रूरल डेवलपमेंट में या फिर सोशल वर्क में होना जरूरी है और साथ ही में 5 साल का एक्सपीरियंस जो है यहाँ पे मांगा गया है। 27,000 रुपीज जो है सैलरी कंसोलिडेटेड रहेगी। उसके साथ में नेक्स्ट पोस्ट की अगर बात की जाए प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MIS, यानी कि प्रोफेशनल आईटी डिपार्टमेंट से जो है पोस्ट रहेगी यहाँ पे। एक वैकेंसी जो है यहाँ पे रहेगी स्कॉस्ट में और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन आपने कर रखा है या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे जो है डिग्री कर रखी है तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए और 3+ ईयर एक्सपीरियंस जो है आपको होना जरूरी है। 27,000 रुपीज जो है यहाँ पे कंसोलिडेटेड सैलरी रहेगी। उसी के साथ में प्रोफेशनल लॉ अकाउंट्स की बात करें तो बैचलर ऑफ कॉमर्स होना जरूरी है और साथ ही में 5 इयर्स का एक्सपीरियंस जो है आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट का होना चाहिए। अगर आप कंपनी के सेक्रेटरी रह चुके हैं तो 3+ ईयर्स जो है आपके पास अकाउंटिंग का जो है चार्ज के नॉलेज जो है आपको होनी चाहिए। 27,000 रुपीज जो है कंसोलिडेटेड सैलरी यहाँ पे रहेगी इस पोस्ट के लिए। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट की बात करें अदर स्टाफ जो कि कोऑर्डिनेटर की पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है, एक वैकेंसी रहेगी। इसके लिए क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो सिंपल ग्रेजुएट जो है वो मांगा गया है। हालांकि प्रेफरेंस की बात की जाए तो बताया गया है कि प्रेफरेंस जो है उन कैंडिडेट्स को दी जाएगी जिन कैंडिडेट्स का BSc एग्रीकल्चर होगा और कुल मिला के 18,000 रुपए जो है यहाँ पे मंथली कंसोलिडेटेड वेजेस रहेंगे। उसके साथ में नेक्स्ट बात करें कि लास्ट डेट कब है तो लास्ट डेट जो है वो 21 जून रहेगी और साथ में आपको बताना चाहूंगा इंटरेस्टेड जो भी कैंडिडेट हैं वो 21 जून से पहले पहले स्कॉस्ट जम्मू मेन कैंपस चट्ठा में जो है अपने एप्लीकेशन फॉर्म जो है सबमिट कर सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म जो है आप बाय हैंड नहीं सबमिट कर सकते, आपको थ्रू स्पीड पोस्ट ही जो है डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। अब बात करते हैं कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पे, तो सबसे पहला बताना चाहूंगा कि पोस्ट जो है वो टेम्परेरी बेस में रहेगी, जो प्रोजेक्ट है वो 1 ईयर का रहेगा जिसको जो है एक्सटेंड किया जा सकता है। उसके साथ ही में बताया गया है कि जो कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाते हैं वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट के जम्मू रीजन के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जो है उनको प्लेस किया जा सकता है। उसी के साथ में बताया गया कि जो पोस्ट है टेम्परेरी है तो कोई भी कैंडिडेट कल को जो है रेगुलराइजेशन पोस्ट के लिए जो है राइट नहीं रखता है। उसी के साथ में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना अगर आप किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। जितने भी कैंडिडेट जो है शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे जिनको कॉल्स किया जाएगा इंटरव्यू के लिए वो एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे, यानी शॉर्टलिस्टिंग यहाँ पे जो है होने होगी और उसके बाद जो है इंटरव्यू के लिए जो है कॉल किया जाएगा कैंडिडेट्स को। कोई भी TA DA जो है इंटरव्यू के लिए नहीं दिया जाएगा डिपार्टमेंट द्वारा। उसके साथ में बताया गया है यहाँ पे कि कैंडिडेट जिनके पास प्रोफेशनल डिग्री या फिर डिप्लोमा सर्टिफिकेट नहीं है वो जो है एलिजिबल नहीं रहेंगे। और उसी के साथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन में आपको क्या क्या देना है। कंप्लीट एप्लीकेशन जो है प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट जो है मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस फॉर्मेट को जो है आपको प्रिंट करके उसको डिटेल्स भरकर साथ में अपने क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट जो है आपको लगाने हैं और साथ में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको लगाने हैं और आपको स्पीड पोस्ट कर देना है डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन स्कॉस्ट जम्मू मेन कैंपस चट्ठा जम्मू, जो कि पिन कोड यहाँ पे आपको दिखाया गया है 18009 और 21 तारीख लास्ट डेट है और 4 बजे से पहले पहले जो कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन सबमिट करनी है। तो यूनिवर्सिटी की तरफ से यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट की तरफ से जो है लेट एप्लीकेशंस वालों को जो है सबमिट नहीं किया जाएगा, ना ही यूनिवर्सिटी रिस्पॉन्सिबल रहेगी किसी भी पोस्टल डिले के लिए। और उसी के साथ में बताया गया है यहाँ पे कि इनकम्प्लीट एप्लीकेशन अगर आप कोई देते हैं तो वो ड्यू डेट से अगर आप इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करते हैं
और जो एप्लीकेशन फॉर्म जब रिसीव करते हैं ड्यू डेट पे तो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। यानी कि आप अगर किसी भी लास्ट डेट के बाद कोई भी अपना फॉर्म सबमिट करते हैं या फिर कोई इनकम्प्लीट फॉर्म सबमिट करते हैं लास्ट डेट होने से पहले, तो उसको भी जो है इंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो इस तरह की जो है टर्म्स एंड कंडीशन आप देख पा रहे हैं, तो जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा मेरे इंटरफेस में, और आपको मेरी वेबसाइट के डिस्क्रिप्शन में भी जो है इस एप्लीकेशन फॉर्म और इस पीडीएफ का लिंक जो है देखने को मिल जाएगा। सो जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट आप अप्लाई कर सकते हैं, 31 जून जो है लास्ट डेट रहेगी और सभी की सभी पोस्ट जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड रहेंगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फर्दर अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।